बैठिए। बिना सत्संग के तप कैसे होगा? तप के स्वरूप को समझेंगे वो तो सत्पुरुषों के संपर्क में आने पर ही ना। तामस तप भी हो जाएगा, राजस तप भी हो जाएगा। तप माने तपाना, किसको तपाना? आग तापते हैं या नहीं? आग तापते हैं तो क्या होता है? शरीर में गर्मी प्राप्त होती है। तप का अर्थ है देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को तपाना। उसमें जो कालिमा है, कालुष्य है, पाप के संस्कार हैं, प्रभाव हैं, वो तप के प्रभाव से जल जाए, इसी का नाम तप है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तप के दो भेद होते हैं। एक भेद होता है कृष्ण चंद्रायण एकादशी निर्जल व्रत आदि के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को संयत करना, जैसे व्यायाम के द्वारा शरीर को कसते हैं, ऐसे ही तप के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की उन्मादपूर्ण प्रवृत्ति को रोकना तप का एक स्वरूप है। यस्य ज्ञानमयं तपः, लेकिन भगवान जो हैं उनका तप ज्ञानमय है। तदैक्षत स इच्छां चक्रे शोकामयत, सृष्टि संरचना का जो संकल्प करते हैं स्वयं को अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप समझते हुए भी, फिर क्या करते हैं? सर्व रूपों में, अनेक रूपों में स्वयं को व्यक्त करने का संकल्प करते हैं। भगवान के लिए वो तप है आलोचनात्मक तप, समीक्षा आलोचना ज्ञान रूप तप, वो बहुत सूक्ष्म है। सामान्य तप है संयम के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को इस योग्य बनाना कि भगवत प्राप्ति में जीवन का उपयोग और विनियोग हो सके। और